अस्सलाम वालेकुम, मैं निमरा शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़। रिपोर्ट गुलाम मुर्तजा आरआई से। हालिया मूनसून की शदीद बारिशों ने कोट लालू पाठक कॉलोनी में तबाही मचा दी। असा सा यही हालत आ दिसी पे तो हाँ बस घर के दर से बीठा बाहर ये तलाह लगा पे हाँ बुधी घर को बस बाहर निकरी को हाँ गरीब कॉलोनी है मानू सब परेशान बैठा पर स्टेशन जो सजो पानी लही आयो हेठ केर पानी असा केर कढ़ाए दे को तो हाँ इतने सब पान भी पाता था रुगो कॉलोनी है रबड़ हाँ ऐसो तो बटे घर इतने बेचारा गरीबन जहाँ किरी पा अवा असा घर बुढ़ी वे असा घर किरी पा हुकूमत असा के को राशन दे असा के घर ठहरा दे का शै न दिनी थे इन वक्त तो ही कोई दाद रसी नहीं है। गवर्नमेंट सोई हुई है। यहाँ के बहुत सारे वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं लेकिन पानी निकलवाने के लिए कोई भी नहीं आता। आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। कोई कॉलोनी के बारिश मुतासरीन ने सूबो खान बगन, एहसन अहमद आरआई और अली सरमत सिंधु की रहनुमाई में एहतजाज करते हुए कहा कि बारिशों का पानी घरों में दाखिल होने की वजह से काफी घर मसमार हो गए। घर मसमार होने की वजह से नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कॉलोनी के काफी लोग अपने मासूम बच्चों समेत तेज बारिश में भी खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार ठिठरने पर मजबूर है। बारिश के पानी और गंदगी की वजह से मलेरिया और डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में भी किसी मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी अफसर ने मुतासरीन का हाल तक नहीं पूछा। पाठक कॉलोनी के बारिश मुतासरीन ने नौ मुंतखब नुमाइंदों, डिप्टी कमिश्नर खैरपुर और वजीर आला संद से मुतालबा किया है कि बारिशों से सख्त मुतासर होने वाली कोट लालू पाठक कॉलोनी के रहायशियों को हंगामी बुनियादों पर रिलीफ फराहम किया जाए और दो माह से बेरोजगार मजदूरों और बेघर होने वाले अफराद को एक माह का राशन, मच्छरदानियाँ और खेमे फराहम किए जाएं।